वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक सरकारी कंपनी के बारे में जिसका नाम है नालको, और ये जो है एल्यूमिनियम बनाने के बिजनेस में है। तो ये कंपनी जो है एक नवरत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो सरकारी कंपनी यूजुअली हम पसंद नहीं करते, पर अभी जो है सिचुएशन कुछ अलग सी हो गई है, इसलिए जो है इस पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। तो पहले हम देखें, क्योंकि एल्यूमिनियम एक कमोडिटी होती है, तो ज़रा कमोडिटी की क्या स्थिति चल रही है उसको हम देखें। तो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स कहता है कि इस समय कमोडिटी के भाव जो है अपने ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं, अगर अपन उसमें महंगाई को एडजस्ट करते हुए प्राइस को प्लॉट करें। तो यहाँ ये चार्ट आपको क्लियरली दिखा रहा है कि एल्यूमिनियम के भाव जो है इस समय बहुत नीचे चल रहे हैं, और कारण है जो चाइनीज़ वायरस फैला हुआ है, जिसके कारण डिमांड में काफ़ी बड़ी कमी आ चुकी है। तो खैर, यहाँ हमने ये समझ लिया कि कमोडिटी के भाव जो है नीचे चल रहे हैं। अब क्या कमोडिटी कंपनियों के शेयर के भाव भी नीचे चल रहे हैं, वो भी समझ लेते हैं। तो ये है BSE मेटल इंडेक्स का चार्ट। तो इस मेटल इंडेक्स के चार्ट को भी देख के हम ये समझ सकते हैं कि कमोडिटी कंपनीज़ जिनका मेटल इंडेक्स बनता है, वो भी जो है 2008 के बाद जो है सबसे लो प्राइस पर इस समय मिल रहा है। तो ये भी हम देख सकते हैं इस चार्ट को देख के, कारण वही है कोरोना वायरस। अब तीसरी चीज़ देख लेते हैं कि ठीक है कि कमोडिटी के भाव नीचे हैं, मेटल इंडेक्स भी नीचे है, तो क्या एल्यूमिनियम के भाव भी नीचे हैं, उसको भी देखते हैं। तो ये चार्ट है हमारा एल्यूमिनियम का। तो एक्चुअल में ये एलुमिना का चार्ट है जिसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो ये चार्ट क्या कह रहा है कि ये भी वही बात बता रहा है कि लगभग जो है हमारे जो भाव हैं इस समय वो ऑल टाइम लो के करीब हैं। तो इतना लो जो है 2016 में टेस्ट किया था, उसके बाद जो है ये अभी हमको मिल रहा है, और इससे पहले जो है 11-12 में जो है ये भाव आया था। तो लगभग हम जो है ऑल टाइम लो पर हैं। तो ये भाव में इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जो है ये ऊपर दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल इससे भी हम जो है ये समझ सकते हैं कि यहाँ भी कि एल्यूमिनियम का भाव जो है ऑल टाइम लो पर चल रहा है। अब ज़रा कुछ और बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी जो है ये एक सरकारी कंपनी है, जैसा अभी हमने समझा, इसको 51% जो है सरकार ओन करती है। 51% यानी कि कंट्रोल किसके पास है, सरकार के पास है। और ये कंपनी एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में डील करती है। अब ख़ास बात इसकी ये है कि ये जो है वर्ल्ड की सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, वो भी वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड की सबसे सस्ती एल्यूमिनियम प्रोड्यूस जो है ये कंपनी कर लेती है, ये इसकी ख़ास बात है। इसके पास एक खुद का 1200 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, इसके ऊपर कोई कर्ज भी नहीं है, और 2100 करोड़ के लगभग जो है इसके पास कैश भी है। तो ये कुछ अच्छी बात इसकी हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों जो है ये सबसे सस्ता एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर लेती है, क्यों बाकी लोग जो है ये नहीं कर पाते। तो उसके पीछे भी कारण है इस कंपनी का, क्योंकि खुद का एक थर्मल पावर प्लांट है, और उस प्लांट को कोल सप्लाई जो है महानदी कोल फील्ड से होती है, जो कि उसके प्लांट के काफ़ी पास ही है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इनका लो है, कोयला इनको सस्ते में मिल जाता है, और जो बिजली इनको चाहिए होती है वो भी ये जो है खुद बना लेते हैं। और इनके पास जो माइन है, जो बॉक्साइट माइन है जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, वो भी जो है इनकी खुद की है। और ये बड़ी हाई क्वालिटी बॉक्साइट माइन है। हाई क्वालिटी से मतलब ये है कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर यूनिट बॉक्साइट निकालते हैं, तो उसमें से कितना आप एल्यूमिनिया निकाल लेते हैं, कितना एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं, उससे जो है क्वालिटी डिसाइड की जाती है। तो इनके पास क्या है, एक बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की बॉक्साइट माइंस हैं। तो इन माइंस से जो बॉक्साइट ये निकालते हैं, उसमें से जो है ये एलुमिना बनाते हैं, जिसका वो खुद इस्तेमाल करते हैं, और जितना इस्तेमाल करने के बाद कुछ अगर बचता है, तो ये इसको सरप्लस को जो है मार्केट में बेच देते हैं, और जो है इससे जो है क्या करते हैं, वो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वर्ल्ड के लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इसलिए हैं क्योंकि जो बिजली इनको लगती है इस अपनी पूरी फैक्ट्री को रन करने के लिए, वो इनकी खुद की होती है। हाई क्वालिटी की इनकी बॉक्साइट माइन है। जो एल्यूमिनियम बनाने के लिए एलुमिना लगता है, वो भी जो है ये खुद बनाते हैं।
तो ये सारा जो बैकएंड वाला काम है वो क्योंकि ये खुद ही कर रहे हैं इसलिए जो है इनका पूरा प्रोसेस जो है सस्ता हो जाता है। बाकी कंपनियों का नहीं हो पाता क्योंकि कई कंपनियों के पास अच्छी क्वालिटी की बॉक्साइट माइंस नहीं है, तो कुछ कंपनियां जो है एलुमिनिया दूसरी जगह से ख़रीदती हैं, तो ये सारे रीज़न होते हैं कि क्यों जो है उतना अच्छा जो है वो नहीं कर पाती। तो अब ज़रा इसके हम बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं। तो बैलेंस शीट में हम जो है क्या देख सकते हैं कि ना के बराबर जो है कर्ज है इसके ऊपर, लगभग 12 करोड़ का जो है टोटल कर्ज आता है। जिस साइज़ की जो कंपनी है उस हिसाब से जो है ये ज़्यादा नहीं है। फिर हम अगर देखें इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को तो ये हो गया, और अदर एसेट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कैश वगैरह दिख जाएगा, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि 2000 करोड़ के ऊपर जो है, 2100-2200 करोड़ के ऊपर जो है कंपनी के हाथ में इस समय कैश रखा हुआ है, जो कि अच्छी बात हो जाती है। अब कैश होने का मतलब यह है कि और अगर बुरा वक्त चलता है तो कंपनी जो है आराम से कुछ साल सरवाइव कर सकती है, और ये चीज़ ऐसी कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगी जो कि इसके ऊपर काफ़ी अच्छा कर्ज है। अब ज़रा इसके इनकम स्टेटमेंट पर गौर करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस समय कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी बुरी तरह इफेक्टेड है इस कोरोना वायरस के कारण। अगर हम इसके सबसे पीक मार्जिन्स की बात करें तो 45-35% का एबिटा मार्जिन जो है कंपनी का रहता है जब वो एल्यूमिनियम की डिमांड बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रहती है, जो कि इस समय नहीं है। और अभी जो है 6%, जो कि अब तक के पिछले 10-12 साल का सबसे बुरा समय है, लो है। प्रॉफिट पर भी नज़र देखें तो प्रॉफिट पर भी हमें वही चीज़ दिखती है। तो पिछले साल जहां 1700 करोड़ प्लस का प्रॉफिट था, अब गिर के 138 करोड़ पे आ रहा है, तो रीज़न वही है। डिविडेंड पे आउट कंपनी का बड़ा शानदार है, तो अच्छा खासा जो है ये डिविडेंड कंपनी देती है। तो सरकारी कंपनियों की जो है एक तरह से एक पॉलिसी होती है कि उनका 3 साल का जो भी प्रॉफिट बन रहा है या उनका नेटवर्क बन रहा है, उसका 20% जो भी वैल्यू बनती है वो उनको डिविडेंड में बांटना होता है। तो ये सरकार की एक पॉलिसी है, तो इसके कारण जो है ये यूजुअली हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी होती है। अब हाई डिविडेंड पेइंग तो हो गई, पर क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि क्या ये डिविडेंड दे पाएगी भविष्य में भी जब इनकम पर असर होगा, तो क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है इसलिए जो है वो दे पाएगी। अब कुछ वैल्यूएशन वाले पार्ट पर आएँ तो एक तो इस समय जो है लगभग 6,500 करोड़ के मार्केट कैप पे जो है कंपनी हमें मिल रही है। शेयर का भाव जो है इस समय काफ़ी गिरा हुआ है, 180 से लेके 200 पर जो है भाव कभी होता था, अभी 30-35 रुपये चल रहा है, और 2100 करोड़ का कैश है। अब इस कैश को अगर हम इस मार्केट कैप से माइनस कर दें तो हम क्या समझ सकते हैं कि कंपनी जो है एक्चुअल में हमें मिल रही है 4,500 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से। और कंपनी का एवरेज रेवेन्यू अगर हम निकालें पिछले 5 साल का, तो 9,000 करोड़ समथिंग बन जाता है। डिविडेंड यील्ड भी 5% समथिंग के अराउंड जो है समय बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंपनी जो 9,000 करोड़ की औसतन आय जो है साल भर में करती है, वो इस समय मार्केट कैप कितने पे चल रही है कैश को एडजस्ट करते हुए, वो 4,500 करोड़ के मार्केट कैप पे चल रही है। यानी कि एक तरह से ऐसी बात हो जाती है कि ऐसी कंपनी जो कि 9 रुपये मान लेते हैं साल का अगर कमाती है, तो उसका जो भाव है वो चल रहा है बाजार में 4 रुपये। तो वैल्यूएशन के हिसाब से जो है चीज़ें सस्ती ही हो जाती हैं, पर कुछ रिस्क भी हो जाते हैं, कुछ चीज़ें भी हो जाती हैं जो हमें ध्यान में रखना है कि ये कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि एल्यूमिनियम के भाव किस तरह से बाजार में चलते हैं। भाव अगर यहाँ से और गिर जाते हैं तो कंपनी के साथ कुछ और बुरा भी हो सकता है, भाव यहाँ से बढ़ते हैं तो अच्छा हो जाएगा। तो ज़रा कुछ खबरों पे आए तो खबरें कहती हैं कि इस समय कोरोना वायरस के कारण बड़ी मुसीबत में जो है ये इंडस्ट्री चल रही है। तो चाइना की कई एल्यूमिनियम कंपनी जो छोटी हैं जिनके ऊपर कर्ज है वो अब बंद होने लगी हैं, दिवालिया होने लगी हैं। तो ये ऐसी जब सिचुएशन आती है तो जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे जो प्लेयर रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो बाद में उनका जो मार्केट है वो ये बड़े प्लेयर जो है वो खींच लेते हैं। तो यहाँ से खबरें जो है ख़राब सी आ रही हैं। फिर इधर से और आ रहा है कि जो सबसे बड़ी चाइना की एल्यूमिनियम कंपनी है, सेक्टर है, वो भी परेशानी में चल रही है इस समय कोरोना वायरस के कारण। तो यानी ये इंडस्ट्री जो है वह बुरे दौर से गुजर रही है, तो बुरे दौर से गुजर रही है इसीलिए जो है ऐसी कंपनी का शेयर का भाव इस समय हमें बहुत सस्ता मिल रहा है। तो जितना सस्ता शेयर का भाव हो वो चीज़ इन्वेस्टर के लिए अच्छी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें यही देखना है कि जब तक एल्यूमिनियम के भाव में रिकवरी नहीं होगी तब तक हमारा फ़ायदा नहीं होगा। और
इस भाव में रिकवरी तब होगी जब जो है क्या होगा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है नॉर्मल होगी। तो जब कोरोना का खौफ जो है ख़त्म हो जाएगा तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है फिर से फुल फॉर्म में आएगी, और तभी जो है एल्यूमिनियम की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल गाड़ियों में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, प्लेन बनाने में होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो ये सब चीज़ें जो है डिमांड यहाँ पर शुरू हो जाए। तो ये सारी खबरों को विस्तार में आप जो है गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय जो है ऐसी स्थिति में हैं हम इस एल्यूमिनियम सेक्टर को लेके, कि खोने को हमारे पास छोटा ही अमाउंट है, पर अगर चीज़ें सही हो गई तो मिलेगा हमें बड़ा। तो वो सिचुएशन जैसे कि एक बड़े इन्वेस्टर हैं मनीष पाबराय, जो कहते हैं कि हेड्स आई विन टेल्स आई डोंट लूज मच, तो वो वाली जो है यहाँ पे सिचुएशन है। तो इसको जो है आप और रिसर्च अपने लेवल पे कर सकते हैं। मेरी पर्सनल बात करें तो 30 रुपये के एवरेज भाव से जो है मैंने इस कंपनी के शेयर को लिया हुआ है, लेकिन ये चलेगा या नहीं चलेगा वो सब डिपेंड करेगा कि एल्यूमिनियम के भाव जो है किस तरीके से रहते हैं। तो आप अपनी रिसर्च जो है इस पर ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई और कंपनी जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई डिटेल वीडियो बनाऊं तो उसका नाम कमेंट में रखिए, मैं जो है उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।